ऐसा है कि जो ये बैगेज स्कैनर है, ये अभी एक इसमें अस्थायी रूप से कुछ खराबी है, और जैसा कि हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी ने बतलाया कि ये मशीन है, इसमें तकनीकी रूप से कभी भी समस्या आ सकती है, लेकिन ये संपर्क में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज शाम तक या कल सुबह तक फिर से चालू हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरे भी 8-10 बंद हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन ऐसा है कि जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उससे करीब करीब सभी जो हमारे परिक्षेत्र हैं, मैंने फिर कहा कि कितने टोटल हैं उसमें, एक मिनट बंद करिए, आप ऑन कर लें। जैसा कि आप अवगत हैं कि कुल 56 सीसीटीवी लगे हैं, और जहाँ पर सीसीटीवी खड़ा है वहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने जवानों के, अपने जीआरपी के भाइयों के द्वारा, अपने स्निपर डॉग्स के द्वारा ट्रेनों की जांच और स्टेशन परिसर की जांच कर उसे सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर कोई कैमरा ख़राब है तकनीकी कारण से, तो उसके कारण सुरक्षा समझौता नहीं किया जा रहा है, और यह भी निर्देशित है कि जो भी कैमरा ख़राब हैं उनके लिए अस्थायी रूप से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर। सर, आपने सफाई कर्मचारी से उनका भी? नहीं, हमने सफाई कर्मचारियों से, वो हमारे OBHS ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस से रिलेटेड जो ट्रेनों की साफ सफाई, सो उनसे व्यक्तिगत रूप से बस उनके विचार जाने और उनकी कुछ समस्याएं सुनी, और उस समस्याओं, कोई मेजर समस्या उन्होंने अवगत नहीं कराया, कुछ उन्हें अपने अधिकारों के बारे में शायद ज्ञान नहीं है, तो उन्हें मैंने आश्वस्त किया है कि संबंधित विभाग द्वारा उन्हें एक छोटे छोटे ग्रुप में बुलाकर और उनके अधिकारों का एक्सरे मशीन नहीं पड़ी सर।